वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ रतलाम मंडल इंदौर शाखा की जानिब से हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा यानी भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। मंडल के मंत्री बीके गर्ग की कयादत में कोचिंग डिपो इंदौर में धरना प्रदर्शन किया गया और ऐलान किया गया कि अगर रेलवे की निजकारी को नहीं रोका गया तो ये मुजाहरे ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। मिस्टर गर्ग ने धरने से खिताब भी किया जो पेश खिदमत है। सम्माननीय प्रेस मीडिया और सम्माननीय मेरे साथियों, आज का ये जो दिन इंदौर में है आपको ये बताना जरूरी है कि NFIR ने 10 तारीख से 13 तारीख तक पूरा भारतीय रेलवे में 10 तारीख से 13 तारीख पूरा भारतीय रेलवे में डिवीजन में जोन में सब जगह विरोध प्रदर्शन रखा है। जैसा कि आपको जानकारी में है कि ये भारत सरकार जिस दिन सेकेंड टेन्योर पूरा हुआ 100 डेज मिनिमम का कार्यक्रम बनाया, 100 दिन का कार्यक्रम जिसमें रेलवे को क्या 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 हम आउटसोर्स कर सकते हैं। सबसे बढ़िया प्रोडक्शन यूनिट रायबरेली, आपका DLW बनारस जहां मोदी जी गए और 7 प्रोडक्शन यूनिट को बंद करने की बात करी। ट्रेन है, ट्रेन का संचालन प्राइवेट निजी हाथों में देने की बात करी। साथ साथ एक सबसे बड़ा डिसीजन जो लिया 19 जून का लेटर जो रेलवे बोर्ड से अभी निकल गया कि पूरे रेलवे में हर जोन से हर मंडल से एक रेलवे कॉलोनी को आउटसोर्स कर देना है। हमारा उद्देश्य, न्यू पेंशन स्कीम में अभी कुछ काम नहीं किया सरकार ने, थोड़े थोड़े संशोधन किए। न्यू पेंशन स्कीम और आपका पुरानी पेंशन स्कीम, हमारी एक ही मांग है, आप ये निश्चित कर दीजिए कि कर्मचारी NPS में जब सेवानिवृत्त होगा तो पुरानी पेंशन स्कीम जिसमें 50% बेसिक का प्रावधान है, एम्प्लॉय को 50% बेसिक मिलेगा ही, साथ साथ उसमें प्रावधान है कोई भी कर्मचारी है, उसकी अनमेरिड डॉटर है, डाइवर्स डॉटर है, उनको भी पेंशन, फैमिली पेंशन का प्रावधान है। ये न्यू पेंशन स्कीम में सब खत्म कर दिया है। देखिए, न्यू पेंशन स्कीम में अभी कोई डिसीजन नहीं, हमारी ये मांग कि 50% पेंशन मिलनी चाहिए, कॉलोनी को बेचने की बात, ट्रेनों को बेचने की बात, प्रोडक्शन यूनिट जो फायदे में चल रही हैं उनको बेचने की बात। प्रोडक्शन यूनिट बहुत सारी ऐसी हैं जो घाटे में चल रही हैं, जिनको कोई ठेकेदार लेना भी नहीं चाहेगा। शुरुआत ये सरकार ने उन प्रोडक्शन यूनिट से की है जो बहुत फायदे में चल रहे हैं। साथियों, हमारा एक ही निवेदन है, NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने कभी कोई समझौता नहीं किया, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे आपका बीजेपी की सरकार। लेकिन अभी नीति ऐसी आ रही है, हमारा मेन उद्देश्य जो आज का है कर्मचारियों को अवेयर करने का कि ये कर्मचारियों के लिए क्या करने जा रही है सरकार, उनको मालूम होना चाहिए कि ये सरकार ये कर रही है, आगे जरूरत पड़ेगी संघर्ष के लिए तैयार रहना है। आपको मैं बता दूं, आपको बहुत कुछ मालूम होगा, आप वीडियो वगैरह में भी देख रहे होंगे कि आपका रायबरेली, आपका DLW बनारस क्या हालत है। 10 दिन से सभी लोग बैठे हैं, परिवार वाले बैठे हैं, सरकार को झुकना पड़ा, आना पड़ा, लेकिन अभी हमारे नेता लोगों ने विश्वास नहीं किया क्योंकि ये सरकार पे विश्वास इतना जल्दी नहीं होगा। अभी ये लड़ाई वहाँ चालू है, न्यू पेंशन स्कीम हमारी चालू है, कॉलोनी को बेचने की हमारी चालू है, ये सब इशू के लिए हमारे कैडर को एकरत रहना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये सरकार इसकी जो नीति पिछले 5 वर्ष में रही रेलवे में ट्रेड यूनियन को बंद करने की है। भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर ये ट्रेड यूनियन नहीं रही, इन्होंने सबसे पहले BSNL को कॉर्पोरेट किया, BSNL का देख लीजिए क्या हालत हो गई है, ये रेलवे में ना तो रेलवे रहेगी ना रेलवे का कर्मचारी रहेगा। जब रेल रेलवे नहीं रहेगी ना रेलवे का कर्मचारी आएगा। इसके लिए हमारे लोगों को, जो लोग यहाँ नहीं हैं उनको भी, उनको अवेयरनेस करना है, भाई ये चल रहा है, अगर कहीं भी संयुक्त आह्वान आता है, जैसा जैसा हाल रायबरेली में है, जैसा DLW में है, सब जगह भारतीय रेलवे में हर स्टेशन पर हर डिवीजन में ये चीज हमको परिवार के साथ भी करनी पड़ेगी अगर आपको रेलवे को जिंदा रखना है। लेकिन एक बात का दुख हमको होता है, जो जो सरकार है और एक संगठन, कर्मचारी संगठन, जो रेलवे में आने की बात करते हैं कि भाई रेलवे में हमको मान्यता मिल जाए, पहले कोशिश की कि हमको बिना चुनाव के मान्यता मिल जाए,
बिना चुनाव के मान्यता मिल जाए, लेकिन ये कर नहीं सकते। कोर्ट का ऑर्डर है 35% जो वोट लेके आएगा वो सरकार में रहेगा। अब आप देखिए पिछले 5 साल में इन्होंने क्या किया। जब बात आई थी 7वां पे कमीशन की बात आई थी, इन्होंने दगा किया, यानी कि जो संयोग जो स्ट्राइक बैलेट का जो मौत था उनको कमजोर करने का काम इन्होंने किया। आज भी इतना सब कुछ हो रहा है, सिर्फ पोस्टर छपवा देते हैं, बात कर लेते हैं, मीडिया में प्रेस नोट दे देते हैं, बाकी कहीं भी इनका विरोध नहीं है, ये आप देख सकते हैं। साथियों, ये तो बात रही राष्ट्रीय स्तर की कि जिन मुद्दों पे हमारा एक आह्वान चल रहा है, जिसको हमको एक एक कर्मचारी को हमको अवेयर करना है, जानकारी करना है कि ये स्थिति आ सकती है। ये कुछ चीजें और मैं ये बताऊंगा कि वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ने रतलाम मंडल मुख्यालय रेलवे बोर्ड बहुत सारे काम हमने किए, कुछ काम अभी बाकी हैं। मुझे याद है कि मैं पहली बार ये डिपो में आया था, आज शायद 10 महीने हो गए। कुछ लोग थे जिनको इंक्रीमेंट का बेनिफिट, 7वां वेतन आयोग का बेनिफिट नहीं मिला। दिसंबर 2015 की भर्ती, जिनको जुलाई 2016 में एक इंक्रीमेंट मिलना था, कर्मचारी को मालूम नहीं था कि इसका एक ऑप्शन फॉर्म भरना है, यानी पे कमीशन जुलाई 2016 से लेना है। नहीं मालूम होने के कारण उसको 6 महीने का एरियर मिला, लेकिन लाइफ लॉन्ग एक इंक्रीमेंट का 800-900 रुपए का नुकसान शुरुआत में, और वो नुकसान आगे बढ़ता। ये इशू मंडल में बात नहीं बनी, बोर्ड में ये आइटम भेजा, बोर्ड से ऑर्डर आ गए। अभी उस पर ऑप्शन फॉर जिन लोगों ने भर दिए हैं उन पर कार्रवाई चालू है, हेडक्वार्टर को DRM ने लिखा है, ये काम हमको कराना। साथियों, दूसरी बात, जो मंडल में हमारा पिछले 5 साल में जो हमारा काम करने का ट्रैक रहा है, सभी कैटेगरी के प्रमोशन समय से मिले, ये काम हमने किया। एक एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, ये CNW डिपो इंदौर का ही बंदा था जिसका प्रमोशन ऑर्डर मेरे को 30 दिसंबर को उसका कॉल आया कि सर हम 5 लोग हैं, अगर हमको प्रमोशन नहीं मिला तो हमको 1 साल का इंक्रीमेंट का हमेशा के लिए नुकसान हो जाएगा। हमने बात करी DRM से, सीनियर DM से बात करी, सीनियर DPO से बात करी, 1 तारीख को ऑर्डर निकलना और 1 तारीख को ज्वाइन करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। उनको हमने एक इंक्रीमेंट बंद होने से बचाया। नाम मैं भूल रहा हूँ, यहीं 4 लोग थे, कोई समूहपुरा का होगा, कोई यहाँ का होगा। ये ऐसा आज का तारीख में कहीं भी हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। आप GDC की बात करो, GDC में ये दूसरे लोग, मतलब एक गद्दार लोग है, जितने भी है GDC में मांग, 2018 में हमारा लेटर, मार्च 2019 में हमारा लेटर, जून 2019 में हमारा लेटर, और सब जगह वो लेटर की कॉपी लगाई। GDC में एक ही उद्देश्य था, जो भाई लोग मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लोग बोलते थे कि नया RRC से जो रिक्रूटमेंट आए उससे पहले हमारा हो जाना चाहिए, यानी कि उनकी पात्रता एलिजिबिलिटी GDC के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि जो लोग पढ़ के आ रहे हैं, अभी RRC से सिलेक्शन करके आ रहे हैं, वो ताज़ा हैं, वो लोग स्कोरिंग करेंगे और हमारे लोग नहीं कर पाएंगे। ये एक विशेष काम सिर्फ WRMS ने कराया, महामंत्री जी ने कराया, इसकी चिट्ठी भी मंडल चाहिए। इसके साथ साथ एक बात और बता दो, जितने भी लोग 8वीं पास थे 1/1/2016 से, उनको 4,440 प्लस DA दिया गया, उन लोगों को 7वें पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। ये बात भी यहीं हुई थी, उस बात को NFIR ने बोर्ड में उठाया। सभी लोगों को 1/1/2016 से मिनिमम 18,000 रुपये और एरियर का भुगतान, ये WRMS की एक उपलब्धि थी। ऐसा बहुत सारी उपलब्धि WRMS की है। हमारा कंटिन्यूस प्रमोशन, लोगों का प्रमोशन लेट नहीं होना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी में कर्मचारी को तात्कालिक मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए। एक बेचारा एक एम्प्लॉय, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, ये उज्जैन का था जिसकी मदर इलाहाबाद में भर्ती थी और गंभीरी बीमारी के कारण खर्चा ज़्यादा था। उन्होंने मुझसे बात की, हम मुख्यालय में GMPNM में थे, बात CMS से करी, उस बंदे को बुलाया, साथ ही साथ दूसरे दिन पेपर ऑनलाइन हमने ट्रांसफ़र कर दिया।
तो ये बात है काम करने की। हमारा चाहे कंपासनेट अपॉइंटमेंट अनकंपा नियुक्ति में मुझे मालूम नहीं, अभी एक बंदा मुझे मिला था, क्या नाम था भैया कोई है, मैं भूल गया फिर नाम, जिसको अनकंपा नियुक्ति में 2012-13 का था, अनकंपा नियुक्ति नहीं मिली, उसको अनकंपा नियुक्ति में मजदूर संघ ने उसको दिलवाई। वो आदमी बोल सकता है कि एक चाय का तागीरदार नहीं, जिन भी आता था, ऐसे महू में भी है, हमारे सेक्रेटरी ने महू में भी काम किए हैं, तो अगर हम गिनाएं तो बहुत बड़ा ये होगा। लेकिन मेरा सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि जब भी चुनाव हो, देखिए तैयार हमको रहना है, जो सरकार कर रही है उसके लिए तैयार रहना है, इसके ऊपर से आपका इलेक्शन है, अगस्त में इलेक्शन होगा, आप लोगों को बहुत लोग मिसगाइड करेंगे, हर आदमी आपको वोट मांगेगा, सिर्फ एक वोट आपके पास में है, सिर्फ एक वोट आपके पास में है, वो आप किसी को देना, आपका चयन एक वोट एक संस्था, जो सरकार जिनकी है उनको कुछ नहीं किया, वो उन्होंने कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया, थूक उड़ाना तो कितना भी थूक उड़ाना, जो काम करता है उसको मालूम पड़ता है कि कैसे काम कराया जाता है। यहाँ हमने चाहे रनिंग की बात हो, CNW की बात हो, इलेक्ट्रिकल की बात हो, ये सब बात हमने, एक मैं आपको बता दूँ कितने नालायक लोग यहाँ संगठन में भी है। अभी एक LDC का हुआ, LDC की एग्जाम रतलाम में हुई, अभी तक सबको 6 महीने का ट्रेनिंग देते थे, 6 महीने का ट्रेनिंग देते थे, 2008 का लेटर रेफरेंस करके उन्होंने 3 साल का ट्रेनिंग दी, उसमें हम लोग लड़े, DRM साहब ने अच्छा रास्ता निकाला, उसमें सुधारा। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं कि आप लोग, मेरा एक ही निवेदन है, अच्छे लोग जो CNW में हैं, काम करना चाहते हैं, वो लोग आगे आए और काम करें, ये हमारे सेक्रेटरी साहब से बात करें, जमील भाई से बात करें, कहीं कुछ बात होती है तो हमसे बात करें, आपका एक्शन तात्कालिक एक्शन आपका होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपका एक कीमती वोट, और ये जो सरकार की जो आउटसोर्स नीति है, जो सरकार रेलवे को बेचना चाहती है, जो रेलवे में रेल कर्मचारी नहीं रहे, अगर एक ट्रेन आज उन्होंने प्राइवेट को दे दी, भाई ट्रेन देनी है तो आप ऐसा रूट पर दीजिए ना जहां इनकम नहीं है, कोई यूनिट अगर आपको वर्कशॉप देनी है ऐसी दीजिए जिसमें प्रॉफिट नहीं है, आप जो माल है, जो मलाई है, आप DLW बनारस को दिया, आपने वहां दिया, शुरुआत ही इन लोगों ने ऐसा किया है। ये सरकार बहुत ही, आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा, आपका संघर्ष आपको करना पड़ेगा, साथ में आपको रहना पड़ेगा, मेरा आपसे ये विश्वास है कि वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में रेल कर्मचारी के लिए काम करेगा। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। साथियों, कुछ जो नारे हैं, मेरा स्पीच उसमें कवर हो जाएगा, 5-6 नारे मैं देता हूँ, हाथ उठा के सब लोग नारे लगाए, डब्लूआरएम में जिंदाबाद, 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 NFIR जिंदाबाद, 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 इसमें कॉलोनी बेचना बंद करो, बंद करो, इसमें कॉलोनी बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, रेंट को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रोडक्शन यूनिट बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रोडक्शन यूनिट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, NPS को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, NPS रद्द करनी होगी, करनी होगी, भारत सरकार तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, होश में आके काम करो, काम तुम्हें करना होगा, करना होगा, करना होगा। मंगल कर्मचारी विरोधी नीतियां बंद करें, बंद करें, बंद करें। देखिए, ये जो भारत सरकार ने जिस दिन से सेकंड टेनवर इनका आया, सेकंड टेनवर में इन्हें एक डिसीजन ले लिया कि 100 दिन का मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, सभी जनरल मैनेजर को, सभी DRM को एक मैसेज कर दिया, 100 दिन के अंदर अंदर क्या करना है आपको, कॉलोनी जोनल की जितनी भी रेलवे कॉलोनी है मंडल में, हर मंडल से कम एक रेलवे कॉलोनी को आउटसोर्स करना है। ये एक सबसे बड़ा एक मुद्दा आपके सामने ये है। जून में रेलवे बोर्ड ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जोनल में जितनी भी रेलवे हैं
हर रेलवे से, हर मंडल से एक कॉलोनी कम से कम एक हाउस हो। दूसरी बात, जो ट्रेन है, ट्रेनों को प्राइवेट निजीकरण के हाथ देना है। आप समझ सकते हैं, जो भी कोई स्टेशन पहले आउटसोर्स किया है, वो स्टेशन की क्या हालत है, क्या पार्किंग है, कैसी स्थिति है। जब ट्रेन आउटसोर्स हो जाएगी, एक ट्रेन होगी, चार ट्रेन होगी, दस ट्रेन होगी, ना रेलवे रहेगा, ना रेलवे का कर्मचारी रहेगा, साथ साथ जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, जो नागरिक हैं, उनकी दुविधा कितनी होगी। आज रेलवे का किराया एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का आप देख सकते हैं, चार गुना रोड ट्रांसपोर्ट में वो किराया है। साथ साथ में इन्होंने क्या तीसरा निर्णय लिया कि जितनी प्रोडक्शन यूनिट रेलवे में है उनको आउटसोर्स। आपका रायबरेली जो इतना अच्छा एक बनाया है, कंस्ट्रक्शन किया है, जो प्रॉफिट में चल रहा है, आपका DLW बनारस जहाँ मोदी जी गए थे, बहुत लंबी लंबी बात करके आए थे, वहाँ DLW को बात बेचने की बात थी, सभी प्रोडक्शन यूनिट उनका बेचने की एक मंशा है। इसके लिए आपको जानकारी होगी कि DLW बनारस में, आपका रायबरेली में पिछले 10 दिन से परिवार के साथ NFIR का, एक दूसरी यूनियन का, सभी लोगों का एक संयुक्त मोर्चा बना है, कोई भी काम नहीं कर रहा, एक संघर्ष जारी है। दबाव उनको पड़ा, पीयूष गोयल आए, लेकिन आए बात नहीं है, जब तक पूरा विश्वास नहीं होगा वो चलता। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ रायबरेली की नहीं है, DLW बनारस की नहीं है, ये शुरुआत है, ये पूरी रेलवे। आज हमारा जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य कोई काम बंद नहीं करने का, कोई रेलवे को नुकसान नहीं करने का, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, जितने साथी यहाँ हैं, जो सरकार की जो मंशा है, वो मंशा को समझें और अपने लोगों को समझाएं। अगर सरकार नहीं मानती है, जो हालत रायबरेली की है, जो आपके DLW बनारस की है, तो हमारे लोग उस हिसाब से लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये हमको सबको अवेयरनेस करना है, या अपने और बाकी क्या ये है? मैंने अभी ये विरोध हमारा NFIR के आह्वान पर 10 तारीख से। बहरहाल मोदी हुकूमत की जानिब से जिस तरह से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके खिलाफ हर तरफ से आवाज उठ रही है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस सिलसिले को रोकती है या फिर अपनी मनमानी जारी रखती है। डॉक्टर नजरा खातून रिजविक, रिपोर्ट MMC न्यूज इंडिया, नई दिल्ली।